अधर्म कैसे देखा जाता है। हे नारद जी, आप मेरा संदेह दूर करिए। नारद जी भक्ति महारानी को कहने लगे कि हे देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण सत्कर्मों में बाधा डालने वाला कलयुग आ पहुंचा। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग पर पड़ी और ज्यों ही राजा परीक्षित ने अपनी म्यान में से तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए, उसी समय गिड़गिड़ाता हुआ ये कलयुग जाकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अभय दान दीजिए। राजा परीक्षित बड़े ज्ञानी थे देवी। राजा परीक्षित ने ध्यान दृष्टि से देखा कि जो फल सतयुग में भगवान के दर्शन का ध्यान करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में भगवान के दर्शन का यज्ञ करने से मिलता था और जो फल द्वापर युग में भगवान के दर्शन का सेवा करने से मिलता था, वही फल भगवान के दर्शन का इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए ये कलयुग है तो सार से भरा हुआ। जो महापुरुष होते हैं ना महाराज, वे बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। कलयुग है तो बड़ा दुष्कर है, तो बुराइयों से भरा हुआ, लेकिन देखिए ना राजा परीक्षित की दृष्टि, क्योंकि राजा परीक्षित को पता था ना कि इस घोर कलिकाल में मनुष्य को भगवान का भजन करने की, यज्ञ करने की, ध्यान करने की फुर्सत कहां मिलेगी। कोई जागा हुआ पुरुष बिरला ही मिलेगा जो निसी बासर अनवरत भगवान का नाम लेने में ही मग्न मिलेगा। राजा परीक्षित ने सार देखा, इसी कारण हे देवी इस कलयुग को पृथ्वी पर रहने दिया, क्योंकि कलयुग में केवल और केवल एक सुविधा भगवान ने दी। भगवान ने इस कलयुग के जीवों को कहा कि हे कलयुग के जीवों, आप यज्ञ मत करो, दान मत करो, ध्यान मत करो, हठ योग मत करो, बस केवल और केवल एक बार अगर आपने मेरा नाम पूरी श्रद्धा से ले लिया तो भी मैं आपको भव सागर से पार कर दूंगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। लेकिन ईमानदारी से बैठ करके सोचिए ना कि क्या हम 24 घंटों में से, जिसने हमें 24 घंटे दिए, क्या उन 24 घंटों में से हम उसका नाम 24 मिनट भी ले पाते हैं? नहीं ले पाते। 23 घंटे और 36 मिनट तक हम संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन 24 मिनट भी उसके लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नारद जी भक्ति को कहने लगे कि हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो। भक्ति नारद जी से कहने लगी कि हे देवऋषि, आप धन्य हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। संसार में साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है। अगर कभी जीवन की यात्रा में चलते चलते आपको किसी साधु के दर्शन हो जाए, संत के दर्शन हो जाए, किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए, तो महाराज ये समझ लेना कि उसी दिन परमात्मा ने आप पर विशेष अनुकंपा कर दी। भक्ति महारानी कहने लगी कि हे नारद जी, आपका केवल और केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और हे नारद जी, ध्रुव ने भी तो आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। नारद जी कहने लगे हे भक्ति महारानी, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। अरे देवी, तुम तो यूं ही चिंता कर रही हो, तुम चिंता करनी छोड़ दो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप कुमारियों को जिन्होंने सनाथ किया था। और हे देवी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर भगवान तो नीचों के घर में भी चले जाते हैं।
तुम भगवान श्री हरि का सत्य स्वरूप हो, तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्राण प्रिया हो और परम सुंदरी हो। भगवान की कृपा से ही मुक्ति भी तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हारे साथ रहती है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार नारद जी द्वारा अपना महत्व जानकर भक्ति महारानी के सारे अंग पुष्ट हो गए। भक्ति महारानी एक दिव्य तेज को धारण करके पुनः नव यौवना बन गई। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके और नारद जी को कहने लगी कि हे देव, आपने मेरा कष्ट तो दूर कर दिया, लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं, आप इन्हें भी पुनः नया जीवन प्रदान कीजिए। और उसी समय नारद जी ने अपनी देवदत्त नाम की वीणा उठाई महाराज। और जानते हो नारायण की वीणा से कौन सा शब्द झंकृत होता है, कौन सा शब्द निकलता है, बोलिए ना। नहीं जानते? नारायण जी कौन से मंत्र, नारद जी कौन से मंत्र का जाप करते हैं? नारायण, बोलो ना, जोर से बोलिए, नारायण नारायण नारायण। और नारद जी ने वीणा उठाकर नारायण नारायण की धुनी लगानी शुरू कर दी महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 वैराग्य में थोड़ी सी चेतना तो आई, थोड़े से वे हिले डुले, कितने जितने ही अभी थोड़ी सी चेतना आप लोगों के भीतर आई।
बस उतनी ही चेतना आई ज्ञान और वैराग्य के भीतर और पुनः वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। नारद जी ने वेद के मंत्र सुनाए, पुराणों के श्लोक सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय मेघ गर्जने लगे और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी कि हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, हे नारद जी तुम चिंता मत करो, आपका उद्योग निसंदेह सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और वो सत्कर्म आपको संत शिरोमणि बतलाएंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं पर छोड़कर तीर्थों की ओर प्रस्थान कर गए। जगह जगह नारद जी घूमते रहे, लेकिन नारद जी ने जिन जिन महात्माओं से उस आकाशवाणी का अर्थ पूछा, कोई भी महात्मा उस आकाशवाणी का अर्थ नहीं बता सका। घूमते 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 नारद जी बद्री वन आए, बद्री विशाल आए, और वहां पर उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं बद्रीनाथ धाम में बैठकर तप करूंगा। ज्यों ही उन्होंने ये निश्चय किया कि उसी समय नारद जी को अपने सामने करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर आते हुए दिखाई दिए। सनत सनक सनातन और सनंदन चारों निर्मल ऋषि नारद जी के आगे आकर के खड़े हो गए। नारद जी उठकर और उन्हें प्रणाम करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों के साथ मेरा समागम हुआ है। आप दिखने में तो छोटे छोटे बालक लगते हैं, लेकिन आप ज्ञान में हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सनकादि जो ऋषि हैं चारों निर्मल ऋषि, उन चारों निर्मल ऋषियों की अवस्था महाराज छोटे छोटे बालकों की तरह है। छोटे छोटे बालक, घुंघराले केस, शरीर पर केवल और केवल कोपीन के अलावा एक भी वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश धारण किए हुए वे चारों निर्मल ऋषि हिमालय के पहाड़ों में घूमते रहते हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी और स्वयं के बीच हुई सारी वार्तालाप को उन्हें बताया, और जब नारद जी उनसे कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, उस आकाशवाणी का अर्थ क्या है, वो आकाशवाणी क्या कहना चाहती है, उस आकाशवाणी का मुझे आशय स्पष्ट कीजिए, उसी समय सनकादि ऋषि कहने लगे। सनकादि ऋषि के मुंह से मानो भगवती सरस्वती बोल पड़ी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे नारद जी, आकाशवाणी का इशारा श्रीमद् भागवत कथा की तरफ है, जिसका गान सुख आदि महानुभावों ने किया है। हे नारद जी, उनके शब्द सुनने मात्र से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जीवन का दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपका उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। हे नारद जी, जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर जंगल से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की गर्जना सुनकर मनुष्य के जीवन से पाप रूपी भेड़िए भाग खड़े होते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैं निश्चित ही श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे गए इस भागवत शास्त्र की कथा का उज्जवल ज्ञान यज्ञ करवाऊंगा। हे मुनीश्वरों, अब यह बताइए कि ये कथा कैसे की जाती है, कहां की जाती है, और इसको सुनने की विधि क्या है। सनकादि ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, गंगा किनारे आनंद नाम का एक घाट है, जहां पर अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है, आप वहीं पर चलिए, वहां पर हम भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ करेंगे। और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए गंगा तट पर चले आए। ज्यों ही गंगा किनारे आकर के
सारे के सारे ऋषि मुनि जहां तप करते हैं वहां आकर जो ही सनकादि ऋषियों ने आसन जमाया, नारद जी मुख्य श्रोता बनकर यजमान के रूप में बैठे और सबको कथा का समाचार मिला। महाराज, समाचार मिलते ही भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक के देवता सभी दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, ऋषि पाराशर, छाया सुख, जाजली, जहनू, सभी प्रधान ऋषिगण अपने शिष्य पुत्रों एवं परिवार सहित आकर के वहां पर आसन जमा कर बैठ गए। और इन सबके अलावा वेद, वेदांत और उपनिषद, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सप्त पुराण, छहों शास्त्र मूर्तिमान होकर उस पंडाल में आकर बैठ गए जहां भागवत की कथा होने वाली थी। गंगा आदि सभी नदियां, पुष्कर आदि सभी तीर्थ, सभी सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि सभी वन, हिमालय आदि सभी पर्वत, देव, गंधर्व और दानव, देव, गंधर्व और दानव भी उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में आकर के विराजमान हुए। और कुछ लोग घमंड के कारण, गर्व के कारण कथा में नहीं आए। कुछ लोगों को थोड़ा घमंड रहता है महाराज संसार में कि हाँ, कथा तो हो रही है, हमने सुना है, लेकिन क्या करें, हमें तो न्योता ही नहीं मिला, हमें तो समाचार ही नहीं मिला। अरे, कोई निमंत्रण पत्र देने आए तब हम कथा में आए ना। तो महाराज, ये कोई किसी की, आपके संसार के कोई रिश्तेदार की शादी तो है नहीं कि कोई निमंत्रण पत्र देने आएगा। शास्त्र तो ये कहता है कि जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां पर बिना बुलाए दौड़कर जाकर के पंडाल में सबसे पहले बैठना चाहिए। महाराज, सबसे पहले जाकर बैठना चाहिए, लेकिन वहां पर तो वे बिरले ही बैठ पाते हैं जिन्हें मेरा ठाकुर बुला करके यहां पर बिठाता है। महाराज, नहीं तो पड़ोस में कथा हो रही हो तो भी लोग सोए हुए रहते हैं। ये महाराज कलयुग का असर है। जो लोग अपने घमंड के कारण कथा में नहीं आ पाए उन्हें भृगु आदि ऋषि समझा बुझा करके ले आए महाराज। और श्री कृष्ण परायण सनकादि ऋषि मुख्य वक्ता के रूप में आसन पर विराजमान हुए। श्री नारद जी मुख्य यजमान बने और प्रमुख श्रोता बने और उनके साथ सभी वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी अपना अपना आसन लगाकर उस कथा में बैठ गए। इस प्रकार सनकादि ऋषि कथा का महत्व सुनाने लगे। सनकादि ऋषि कथा का महत्व प्रकट करते हुए कहने लगे कि हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसके 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, और इसमें राजा परीक्षित और महामुनि सुखदेव जी का संवाद है, और यह भागवत शास्त्र साक्षात श्री हरि का वांग्मय स्वरूप है। जो ही सनकादि ऋषियों ने यह कहा कि यह भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पन्नों का समूह नहीं, साक्षात श्री हरि का वांग्मय स्वरूप है, उसी समय नारद जी पूछने लगे कि हे ऋषिवरों, मुझे इस रहस्य को विस्तार से बताइए। सनकादि ऋषिगण कहने लगे कि हे नारद जी, ध्यान देकर सुनो, ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण से धरा धाम को छोड़कर जाने वाले थे। सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण परम धाम गमन की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त उद्धव दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। आकर के उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव, जब तक आप इस धरा धाम पर थे तब तक तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन हम इस संसार के जीवों को होता था, लेकिन हे भगवान, जब आप इस संसार को छोड़कर चले जाओगे तब ये बताइए ना कि इस कलयुग के जीवों को आपका दर्शन कैसे होगा।
उद्धव जी करुण क्रंदन करने लगे, उद्धव की आंखें अश्रु धाराएं बहा रही हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और वो तेज निकलकर सीधा का सीधा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गया। आकाशवाणी हुई, भगवान कहने लगे कि हे प्रिय उद्धव, इस घोर कलिकाल में जब जब भी कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाएगा या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में आकर अगर सामने भी बैठ जाएगा तो हे उद्धव, उसे मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा, साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त। इसी तरह ये भागवत श्री हरि का साक्षात वांगमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर ही रहे थे कि उसी समय उस सभा मंडप में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सभा मंडप में तरुणा अवस्था को प्राप्त किए हुए अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते करते उस सभा मंडप में प्रकट हो गई, महाराज प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण भाव से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, नारद जी बड़ा आश्चर्य करने लगे, बड़ा आश्चर्य करने लगे। नारद जी भक्ति महारानी को पूछने लगे, नारद जी भक्ति महारानी को पूछने लगे कि हे देवी, अरे आपको तो मैं वृंदावन छोड़कर आया था, आप यहां पर काशी में कैसे प्रकट हो गई? क्योंकि सनकादि ऋषि आनंद नामक घाट पर बैठकर नारद जी को कथा सुना रहे थे और आनंद नामक का घाट काशी में है।
वाराणसी में। नारद जी पूछने लगे कि अरे देवी, ये चमत्कार कैसे हो गया? उसी समय सनकादि ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आप आश्चर्य मत करो, ये भक्ति महारानी अभी अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में से प्रकट हुई है। क्योंकि हे नारद जी, जहां जहां पर भागवत की कथा के महत्व का गायन किया जाता है, उस पंडाल के चारों ओर भक्ति नर्तन करना आरंभ कर देती है, नर्तन करना आरंभ कर देती है। कल मैंने निवेदन किया था कि आज से सप्त दिवस पर्यंत, सातों दिनों तक, ये सुधार वाड़ी का जो प्रांगण है ना महाराज, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। सात दिनों तक लगातार, क्योंकि यहां पर साक्षात श्री हरि आकर विराजमान हो गए हैं, और जहां पर भगवान आते हैं वहां पर उनके भक्त तो अवश्य आते हैं। एक साधारण जीवन में भी देखिए ना महाराज की, अगर कोई मिनिस्टर आ जाए, अगर कोई बड़ा नेता आ जाए, कोई मुख्यमंत्री कहीं पर आ जाए, तो महाराज उस मुख्यमंत्री के आने से पहले क्या उसके अधीनस्थ जो नेता हैं या जो कर्मचारी हैं, कलेक्टर इत्यादि हैं, एसपी इत्यादि हैं, वे पहले आकर के डेरा जमाते हैं कि नहीं जमाते हैं? जमाते हैं ना। तो जहां साधारण इस संसार के एक छोटे से नेता के आने से महाराज उनके अधीनस्थ आकर डेरा जमा देते हैं, तो क्या जहां मेरा ठाकुर आ जाए वहां पर उनके गण दौड़कर नहीं आएंगे? महाराज अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं। बस जरूरत है अपने प्रेम की आंख से उनको निहारने की। भक्ति महारानी हाथ जोड़कर सनकादि ऋषियों से कहने लगी कि हे सनकादि ऋषियों, आपने इस कथा के अमृत से सींचकर मुझे नया जीवन प्रदान किया है। मैं यहां पर आ तो गई, अब आप मुझे मेरे बैठने का स्थान प्रदान कीजिए। सनकादि ऋषिगण कहने लगे कि हे भक्ति महारानी, आप तो सदैव भक्तों के हृदय में निवास करने वाली हो, इसलिए हे भक्ति, इस कथा पंडाल में जितने भी ये भक्त बैठे हैं, जितनी भी माताएं बैठी हैं ना, आप जाकर के इन सभी भक्तों के और इन सभी माताओं के हृदय में निवास कर लो। और जो ही भक्ति महारानी ने ये सुना, भक्ति महारानी जाकर के सभी भक्तों के हृदय में बैठ गई, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। उसी समय जितने भक्त कथा पंडाल में बैठे थे, उन सभी भक्तों के हृदय में भक्ति का अलौकिक प्रभाव उत्पन्न हुआ। और महाराज, जहां पर भक्ति आ जाती है तो भला भगवान कहां ठहरने वाले हैं। जो ही भक्ति आकर उस पंडाल में विराजमान हुई कि उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरि अपना वैकुंठ छोड़कर और उस सभा मंडल में आकर के प्रकट हो गए। महाराज प्रकट हो गए, जो ही भगवान प्रकट हुए, भगवान का स्वरूप बड़ा शोभायमान हो रहा था। भगवान के गले में वनमाला श्याम वर्ण पीतांबर पहने, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, ऐसा लग रहा था मानो भगवान के उस रूप ने करोड़ों करोड़ों काम देवों की रूप माधुरी का हरण कर लिया हो। आहा, भगवान को वहां पर देखकर सारे भक्त प्रसन्न हो गए, चारों ओर भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जो ही महाराज, जो ही भगवान की जय जयकार हुई, उसी समय आकाश में सभी देवता नंदन वन के पुष्पों से पुष्प वृष्टि करने लगे, अबीर गुलाल उड़ने लगी, अर्जुन जी ढोलक बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सारे गंधर्व मंडली के गायक महाराज अपने अपने संगीत वाद्य बजाने लगे, और सभी मिलकर महामंत्र का गायन करने लगे, महामंत्र का गायन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सभी गाइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
गाइए ना हरे राम गाइए, हरे कृष्ण। आप जानते हो ये मंत्र क्या है? ये मंत्र भगवान के प्राण हैं और इतना दिव्य है ये महामंत्र कि इस मंत्र को जप करने का कोई नियम नहीं। बाकी के जितने भी मंत्र हैं ना महाराज शास्त्रों में, सबके विनियोग न्यास ध्यान इत्यादि यम नियम बताए गए, लेकिन इस मंत्र को जपने का कोई नियम नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते, यहां तक लिखा गया कली संतरण उपनिषद में कि जो कोई व्यक्ति अगर अशुद्ध अवस्था में भी हो, माताएं ध्यान देकर सुनना, महीने में एक बार अशुद्ध अवस्था आती है तब मन को पीड़ा होती है ना कि भगवान का भजन छूट गया, माला छूट गई। आज भागवत कथा का वाचन नहीं हुआ। अगर अशुद्ध अवस्था भी होना महाराज, तो उस अशुद्ध अवस्था में भी आप इस मंत्र का गायन और जाप कर सकते हो, ये शास्त्र आज्ञा देता है। कौन सा मंत्र है? जोर से बोलो, मैं बुलवाता रहूंगा, जोर से बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाकी सब तो महाराज मंत्र हैं, लेकिन ये महामंत्र है, महामंत्र। भगवान सबको दर्शन देकर और वहां पर उस पंडाल में से अंतर ध्यान हो गए। जितने भी लोग कथा पंडाल में बैठे थे उन सबने भगवान के उस अलौकिक स्वरूप का दर्शन किया। नारद जी हाथ जोड़कर सनकादि ऋषियों को पूछने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब आप ये बताइए कि इस कथा को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, किन किन लोगों की मुक्ति हो जाती है। उसी समय सनकादि मुनीश्वर नारद जी को कहने लगे कि हे नारद जी, इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, आप सावधान होकर के सुनिए। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। हे नारद जी, पूर्व काल में तुंग भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, स्रोत स्मृत कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। तुंग भद्रा नदी किसे कहते हैं? तुंग भद्रा शब्द का अर्थ क्या है? लाए हो डायरी और पेन? कितने लोग लाए हैं? दो चार लोग ही जागृत हुए हैं महाराज, तो जो लाए हैं वो तो लिख लो और जो नहीं लाए हैं वो सुन लो, कल ले आना है। तुंग भद्रा शब्द का अर्थ क्या है? भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, भद्र माने कल्याण करने वाला। संस्कृत में भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्ष भिर यजत्राहा। हम
कल्याणकारी शब्द सुने, हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और हम कल्याणकारी लोगों का संग करें। भद्र माने कल्याण करने वाला और तुंग माने अतिशय, अतिशय बहुत ज्यादा। तुंग माने अतिशय और भद्र माने कल्याणकारी। तो जो अतिशय कल्याण करने वाली नदी है उस नदी को तुंग भद्रा नदी कहते हैं। अब आप ये पूछोगे कि महाराज वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है ये मानव की काया। ये जो मानव की देह है ना महाराज, ये तुंग भद्रा नदी है। और इस मानव की नदी के भीतर ही, इस तुंग भद्रा नदी में ही आत्मा नाम का एक देव निवास करता है, उसे आत्मदेव कहते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अपार धन था, ज्ञानी था, वेदों का विशेषज्ञ था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जितने वेदों के विशेषज्ञ, जितने धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले थे, उससे ही विपरीत उनकी पत्नी का जीवन चरित्र और उनकी पत्नी का जीवन का आचरण था। धुंधली माने धुंध से भरी हुई। जिसकी बुद्धि मलिन होती है ना, जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों में बैर मोल ले लेती है, और जिसे काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं, काम माने घर का काम नहीं, वासना वाला काम, उसे धुंधली कहते हैं। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। ये आत्मा मनुष्य के शरीर में निवास करती है और इस जीवात्मा की पत्नी है धुंधली, और धुंधली को शास्त्रों में बुद्धि का रूप बताया। आत्मा आत्मदेव है और बुद्धि है धुंधली। बुद्धि नाना प्रकार के उपद्रव खड़े करती है। आत्मदेव के जीवन में यों तो सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव के जीवन में एक बहुत भारी कमी थी, और वो ये कि आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव सदैव चिंतित रहते थे, सदैव चिंतित रहते थे। बहुत सारे उपाय किए, बहुत दान दिए, तीर्थों पे गए, बहुत अनुष्ठान किए, लेकिन आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि जिस मनुष्य के जीवन में कोई संतान नहीं हो, अरे उसका जीवन तो व्यर्थ है। मुझे जैसे मनुष्य को तो इस धरती पर जीने का अधिकार ही नहीं है, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ये सोचकर धुंधुली को रात में सोता हुआ छोड़कर आत्मदेव निकल पड़े जंगल की ओर। ज्यों ही जंगल में पहुंचे, जंगल में आत्मदेव को एक सिद्ध महात्मा मिले। सिद्ध महात्मा ने आत्मदेव से जंगल में आने का कारण पूछा और आत्मदेव ने सारी कथा कह सुनाई। ऋषि देव ने, उन महात्मा ने आत्मदेव को समझाने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन आत्मदेव समझ नहीं पाए। आत्मदेव उन महात्मा से कहने लगे कि हे ऋषिवर, अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं तब तो ठीक, अन्यथा मैं अभी आपके सामने मेरा सिर पटक पटक कर मेरे प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगा। महादेव ने कर, उन महात्मा ने कृपा की और अपने झोले में से एक फल निकाला। फल निकालकर आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा कि जाओ आत्मदेव, जाकर ये फल अपनी पत्नी धुंधुली को दे देना, उसे ये फल खिला देना। भगवान ने चाहा तो आज से ठीक एक वर्ष के बाद आपके घर में एक संतान जरूर होगी। आत्मदेव वो फल लेकर घर में आए, धुंधुली को सारी बात सुनाई और आत्मदेव ने वो फल धुंधुली के हाथ में रखा और ये कहकर चले गए, इस फल को काटकर अभी खा लेना। और यहीं पर आत्मदेव ने बड़ी भूल कर दी। आत्मदेव ने वो फल स्वयं के हाथ से काटकर अपनी आंख के सामने अपनी पत्नी को नहीं खिलाया, कहकर चले गए कि इस फल को खा लेना। अब धुंधुली थी ना, जो ही वो फल हाथ में आया उसकी बुद्धि दौड़ने लगी कि अरे अगर ये फल मैंने खा लिया और अगर मैं गर्भवती हो गई तो अरे मेरा तो रूप और यौवन सब नष्ट हो जाएगा, और कदाचित अगर मैं गर्भ से हो गई
और रात के अंधेरे में मैं जा रही हूँ, किसी रस्सी से मेरा पांव अटक गया, मैं गिर गई तो अरे मेरा तो सिर फूट जाएगा। इस तरह के नाना प्रकार के वो विचार मन में पालने लगी कि उसी समय धुंधुली की छोटी बहन वहां पर आ गई। उसने अपनी बड़ी बहन को चिंता में देखा और पूछने लगी कि हे बहन, तू इतनी चिंता में क्यों है? धुंधुली ने एक ही श्वास में सारी बात बता दी। बहन कहने लगी कि तू चिंता मत कर, अरे इतनी सी ही तो बात है ना, तू एक काम कर, मैं इसी महीने गर्भ से हुई हूं, तू एक काम कर, आज से 9 महीने बाद जब मेरे संतान होगी, वो संतान ला करके मैं तुझे सौंप दूंगी, तू इस फल को मत खा, लेकिन हाँ इसके बदले में मुझे तुझे बहुत सारा धन देना पड़ेगा। धुंधुली कहने लगी कि तू धर्म धन की चिंता मत कर, पैसे की चिंता मत कर, बस तू तो कैसे भी करके इस मुसीबत से मुझे बचा ले। और महाराज दोनों बहनों के बीच में सौदा हो गया। अब धुंधुली मन में विचार करने लगी कि इस फल का क्या करूं। बहन ने कहा कि एक काम करना, तेरे गौशाला में गाय तो खड़ी है, उसके भी इतने वर्ष हो गए कोई बछड़ा नहीं हुआ, वो भी बांझ है, एक काम कर ये फल गाय को खिला दे, अगर वाकई में महात्मा के दिए हुए फल में कोई शक्ति होगी तो तेरी गाय में से बछड़ा पैदा हो जाएगा। धुंधुली ने कहा ये बात ठीक है, और धुंधुली ने ले जाकर वो फल गाय को खिला दिया। महाराज कथा कहती है कि समय बीतता रहा। 9 महीने बाद धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, और तब तक धुंधुली गर्भवती होने का अभिनय करती रही। जब उसके पुत्र जन्म हुआ, रात्रि के समय आधी रात्रि को उसका पति उस नवजात शिशु को लेकर आया आत्मदेव के घर में, और चुपचाप धुंधुली के पास सुलाकर बहुत सारा धन लेकर वहां से विदा हो गया। भोर हुई, सुबह का सूर्य उदय हुआ, ज्यों ही सूर्य की पहली किरण ने आत्मदेव के आंगन को स्पर्श किया कि उसी समय महाराज आत्मदेव के कान में किसी शिशु के रोने की आवाज आई। जो ही आत्मदेव ने किसी शिशु के रोने की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े गए आत्मदेव और जाकर के देखा धुंधुली के आंचल में एक बालक खेल रहा है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। मन ही मन उन महात्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे महात्मन, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आज आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। आत्मदेव बधाइयां बांटने लगे, खुशियां मनाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया महाराज, और कुछ समय बाद जिस गाय को वो फल खिलाया गया था, उस गाय ने भी महात्मा के आशीर्वाद से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन वो बालक बड़ा अद्भुत था, बड़ा अद्भुत। गाय के पेट में से वो जो बालक उत्पन्न हुआ, उसका शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उसके कान गाय के कान जैसे थे। आत्मदेव तो इतने आत्मविभोर हो गए कि हे प्रभु, तूने कैसी करुणा की है, अरे मुझे तो एक पुत्र चाहिए था, तूने मुझे दो दो पुत्र प्रदान कर दिए। आत्मदेव ने धुंधुली को कहा कि हे देवी, क्यों ना अब हम अपने इन दोनों बालकों का नाम रख दें, इनका नामकरण संस्कार कर दें। और नामकरण संस्कार की बात चली तो धुंधुली कहने लगी कि हे आत्मदेव, ये जो मेरा पुत्र है, इसका नाम तो मैं मेरे नाम पर रखूंगी। हाँ, गाय से जो बालक पैदा हुआ है, उसका नाम आप भले ही अपने हिसाब से रख देना, अपना पंचांग देखकर, लेकिन इस बालक का नाम तो मैं स्वयं रखूंगी। और जानते हो धुंधुली ने क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? जोर से बोलिए ना, धुंधुकारी। माताएं जोर से बोल रही हैं, क्योंकि हरेक मां के घर में एक न एक तो धुंधुकारी है। नाम रखा धुंधुकारी। अब बोला ये भी कोई नाम है? हमारा शास्त्र ये कहता है, यथा नाम तथा गुण। जैसा आप अपने बालक का नाम रखते हो ना, वैसे ही उस बालक में गुण विद्यमान हो जाते हैं, ये शास्त्र आज्ञा करता है। अब नाम रखा धुंधुकारी, तो महाराज आप समझ लीजिए कि वो बालक कैसा रहा होगा। आत्मदेव ने जब उस बालक को देखा, गाय के बालक को, आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि अरे इसके कान जो हैं, वो तो गाय माता के कान के समान बड़े बड़े हैं, मैं इसका नाम रखूंगा गोकर्ण।
आत्मदेव ने उस गाय के बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। देखिए महाराज नाम की महिमा देखिए। इतना दिव्य नाम रखा कि आज आप और हम सब उसका जय जयकार करते हैं। कोई बोला धुंधुकारी महाराज की जय? नहीं बोला ना। इसलिए नामकरण संस्कार की जो लीला है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संस्कार है तो वो है नामकरण संस्कार। नामकरण। लेकिन क्या करें, समय बदल गया, शिक्षा पद्धति बदल गई और हमने अपने आप को इस माया के हवाले ऐसा कर दिया कि हम शास्त्रों से दूर होते चले गए। लेकिन महाराज मेरा तो गहरा अनुभव रहा जीवन का, पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष का मैं विद्यार्थी हूं। शास्त्र आज्ञा करता है कि जब भी अब आपके घर में कोई बालक पैदा हो तो परमात्मा प्रत्येक बालक को किसी न किसी नक्षत्र में और किसी न किसी राशि में पैदा करके भेजता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक राशि के 9 अक्षर होते हैं महाराज। 9 अक्षर और 4 चरण दोनों मिलाकर हुए 13। इन 13 अक्षरों में से जो अक्षर आपको अच्छा लगे उस अक्षर पर ही अपने बालक का नाम रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो जमाना उल्टा हो गया, हम आधुनिक हो गए हैं ना। हम क्या हो गए हैं? मॉडर्न, मॉडर्न बन गए हैं महाराज। किसी को समय नहीं है कि सदगुरु के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, किसी जानकार महापुरुष विद्वान पुरुष के पास जाकर के कहें कि हमारे घर में संतान पैदा हुई है, आप बताइए हम इसका नाम क्या रखें। नहीं, किसी के पास समय नहीं है। जाते तो हैं लेकिन कहां जाते हैं? गूगल में, नेट में, इंटरनेट, वहां जाकर के और अपने बालकों का नाम खोजते हैं महाराज। हम बताइए ना, गूगल में क्या कोई नाम पड़ा है? पुराने जमाने में माता पिता अपने बालकों का और पुत्रियों का नाम भी भगवान के नाम पर ही रखते थे। आज तो जमाना बड़ा विकट है, न जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं महाराज, कुछ पता ही नहीं चलता। पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि अपने बालक का नाम भगवान के नाम पर रखो। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने के लोग कथाएं सुनते थे और सुनते नहीं थे, उन कथाओं को आत्मसात भी करते थे। क्योंकि भागवत में कथा आती है अजामिल की, उनके पुत्र का नाम नारायण रखा तो महाराज नारायण नारायण बोलते बोलते अजामिल का उद्धार हो गया। तो पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि बालक का नाम किसी भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। और मुझे बताइए ना कि भगवान से सुंदर किसी का नाम हो सकता है क्या? अगर आप हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जाओगे ना, प्रत्येक देवता के 1000 नाम हैं। कितने? 1000। श्री कृष्ण के 1000 नाम हैं, भगवान राम के 1000 नाम हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, भगवान गणेश के 1000 नाम हैं, सहस्त्र नाम। लेकिन नहीं, वहां जाने की फुर्सत नहीं है महाराज। नाम रखते हैं विदेशियों के नाम पर, टोनू मोनू चिंटू पिंटू, न जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं महाराज। खैर छोड़ो, कुएं में भांग पड़ी है। लेकिन जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो तो कम से कम कथा से ये संदेश लेकर के जाइएगा कि अगर कोई माता यहां पर गर्भवती हो अभी जो कथा सुन रही हो, या फिर आपके घर में कोई गर्भवती हो तो कम से कम उनके जब बालक पैदा हो तो उसका नाम आप शास्त्र के आधार पर जरूर रखना। रखोगे ना? और अगर रखोगे महाराज तो मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारा बालक श्रवण कुमार जैसा हो जो हमें कंधों पर बिठाकर तीर्थ की यात्रा करवाए, हमारा बालक प्रहलाद जैसा हो और हमारा बालक ध्रुव जैसा हो, तो महाराज आपको शास्त्र की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए शास्त्र की शरण में जाइए। दोनों बालकों के नाम रखे गए यथा नाम तथा गुण। गोकर्णो महापंडित धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा उपद्रवी हुआ महाराज। जो जो वो बालक बड़ा होने लगा, धीरे 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 धीरे
उस बालक के उपद्रव बढ़ते गए। उसने पढ़ाई नहीं की, घर में उत्पात मचाने लगा, घर में चीजों को इधर उधर उठाकर फेंकना, पैसे चुराना और माता पिता के सामने बोलना। आत्मदेव ने समझाने की बड़ी कोशिश की लेकिन धुंधुकारी समझ नहीं पाया, क्योंकि सौदे से तय किया हुआ वो बालक था और जिस महात्मा ने आशीर्वाद दिया था उस फल के रूप में गोकर्ण जी महान पंडित हुए। गोकर्ण जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, सारे उपनिषद पढ़े, सारी श्रुतियां पढ़ी और सारे पुराणों का अध्ययन किया। धीरे 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 दोनों बालक बड़े होने लगे। जब आत्मदेव ने देखा कि अरे ये मेरा पुत्र धुंधुकारी तो महान उपद्रवी हो गया, महान उपद्रवी, आत्मदेव मन में बैठकर विचार करने लगे कि हे प्रभु ये तेरी कैसी लीला है। अरे जब मेरे जीवन में संतान नहीं थी तब भी मैं दुखी था और आज मेरे जीवन में जब संतान पैदा हो गई तब भी मैं दुखी हूं। क्या संतान होने से ही सुख मिलता है? बताइए ना। कितने लोग हैं इस संसार में जिनके जीवन में संतान हो गई और वे हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गए? बताइए ना महाराज। संतान होने से ही केवल सुख नहीं मिलता, अगर संतान होने से सुख मिलता तो हमारे भारत देश में इतने वृद्धाश्रम नहीं खुलते महाराज। जाकर देखिए ना उन वृद्धाश्रमों में किसी की मां बैठी है, किसी के पिता बैठे हैं। किन की बदौलत? उन संतानों की बदौलत जिन संतानों में संस्कार नहीं है। और हमारे भारत की ये परंपरा नहीं रही कि भारत में वृद्धाश्रम खोले जाएं, भारत में नारी निकेतन खोले जाएं, भारत में अनाथालय खोले जाएं। भारत की सनातन संस्कृति तो महाराज वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, सब भाई मिलकर के रहे, सारा कुटुंब मिलकर के रहे, तभी उस परिवार का उत्थान हो सकता है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए, रोने लगे कोने में बैठकर। एक वो दिन था जब आत्मदेव रो रहे थे, क्यों? क्योंकि संतान नहीं थी। और आज के ये दिन है जब भी आत्मदेव रो रहे हैं क्योंकि संतान संस्कारी नहीं है। संतान को अपने संस्कार जरूर दीजिए, भले ही आप किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में उसे शिक्षा देने के लिए भेजिए महाराज। समय की मांग है, समय की धारा के साथ जीना पड़ता है, लेकिन मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि अपनी संतान को संस्कार केवल और केवल आप ही दे पाओगे और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बाहर का वातावरण तो इतना विकृत हो चुका है कि उससे अपने आप को बचाना इस मनुष्य के लिए बड़ा दुष्कर हो गया है, बड़ा दुष्कर। आत्मदेव रो रहे थे कि उसी समय गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव के पास पहुंचे और जाकर के आत्मदेव से कहने लगे कि हे पिताजी, आप क्यों शोक कर रहे हो, आप किसकी चिंता कर रहे हो? अरे हे पिताजी, ये जो पुत्र आपके जीवन में आया है, अरे ये आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का फल ही तो है ना। कौन पिता कौन पुत्र, सभी जीवात्माएं अपना अपना लेन देन पूरा करने के लिए इस संसार में आती हैं। कोई पिता बनकर आता है, कोई पुत्र बनकर आता है, कोई पुत्री बनकर के आती है। हे पिताजी, अब आप इस गृहस्थ जीवन का मोह त्याग दीजिए और आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपने इतने पुराणों का अध्ययन किया, आपने इतने वेदों का पारायण किया। हे पिताजी, शास्त्र आज्ञा करता है कि मनुष्य को एक समय आने पर वानप्रस्थ आश्रम को धारण कर लेना चाहिए। गोकर्ण जी के ज्ञान भरे वचन सुनकर आत्मदेव की आत्मा जागृत हो गई और वहीं पर आत्मदेव ने निश्चय किया कि अब मेरा गृहस्थ जीवन में रहना ठीक नहीं। निकल पड़े आत्मदेव पुनः जंगल की ओर। क्या परिणाम हुआ महाराज? एक गलत सौदे का क्या परिणाम हुआ? आज पूरा परिवार टूट गया, आज पूरा का पूरा परिवार बिखर गया महाराज। वो परिवार जिस परिवार में कल तक खुशियां थी, कल तक आत्मदेव खुशी से झूमते हुए फिरते थे कि मेरे घर में दो दो पुत्र पैदा हुए हैं, आज उस घर का मुखिया अपने घर को छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। कभी अपने परिवार को टूटने मत देना। कोई भी बात अगर आपके परिवार में छोटी सी हो जाए
महाराज किसके घर में बात नहीं होती। बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि जिस घर में ज्यादा बर्तन होते हैं वहां खटपट तो चलती रहती है, लेकिन किसी छोटी सी बात पर कभी अपने परिवार को टूटने मत देना और घर का वातावरण ऐसा बनाए रखना कि सुबह सांझ आपके घर में भगवान की आरती होती रहे, परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ बैठकर और भगवान की आरती करें, और जब भोजन करें सारे सदस्य एक साथ मिलकर साथ बैठकर भोजन करें। आज आत्मदेव का परिवार टूट गया, और परिवार कैसा होता है महाराज? संयुक्त परिवार हमने देखा है, हमने अनुभव किया है महाराज, इस शरीर का सौभाग्य रहा। मेरे दादाजी के 5 भाई थे, 5 भाइयों का परिवार था महाराज, और इतना आनंद आता था, आज भी आता है, भगवान की कृपा है। जब संयुक्त परिवार होता है तो वो परिवार एक माला की तरह होता है। कैसे? एक माला की तरह। माला महाराज गुंथी हुई कितनी सुंदर दिखाई देती है, सारे पुष्प एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जो पुष्प नीचे हैं वो ये चाहता है कि ऊपर वाला मजबूती से खड़ा रहे, और जो ऊपर वाला है वो ये चाहता है कि मेरा ज्यादा भार नीचे वाले पर नहीं पड़े। एक माला थी महाराज, लेकिन आज वो माला टूट गई, और जब माला टूटती है तब सारे मोती बिखर जाते हैं। आज आत्मदेव का परिवार बिखर गया। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। अब तो ये जग में दिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में दिएंगे आंसू पीते पीते।
सारा परिवार मानो टूटकर बिखर गया। क्या परिणाम हुआ? आत्मदेव जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और उधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब तीर्थ यात्रा पर गोकर्ण जी निकले, घर से पिता चले गए, भाई चला गया, अब धुंधुकारी बड़ा स्वच्छंद हो गया। अब तो वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अपने बेटे के ऐसे उत्पात देखकर धुंधुली भी मन में ग्लानि अनुभव करने लगी। धुंधुली भी मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि अरे मुझसे ये कैसा अपराध हो गया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, एक महात्मा के प्रसाद का मैंने तिरस्कार किया, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और ये सोचकर एक दिवस आधी रात्रि के दिन धुंधुली ने जाकर अपने घर के कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए। धुंधुली के मरने के बाद में धुंधुकारी और स्वच्छंद हो गया। अब वो वैश्या गमन करने लगा। 5 वैश्याओं को लाकर उसने घर में रखा और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उस धुंधुली को मार दिया, उस धुंधुकारी के प्राण ले लिए। धुंधुकारी को मारकर वे 5 वैश्याएं उसका सारा धन हरण कर और भाग खड़ी हुई। उधर गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार किया। और यहीं पर सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को विराम दे दिया। आइए बड़े प्रेम और भाव से एक नियम आप सभी के बीच में रखूं। इस कलयुग के परम भागवत कथा वक्ता हुए हैं पूज्य डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज जब भी कथा करते थे भागवत की, तो उनका ये नियम था कि जब भी कथा का महत्व या कोई भी स्कंद समाप्त होता था, तो वे उस समाप्ति पर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करवाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि कथा तो कथा व्यास व्यासपीठ से गाते हैं, उनको तो फल मिलता ही है, लेकिन जो श्रोता किसी भी स्कंद या महत्व के अंत में महामंत्र का एक बार अगर उच्चारण कर ले श्रद्धा और भाव से, तो उसे भी व्यासपीठ की तरह पूरा का पूरा फल भागवत का मिल जाता है। तो आइए इन सप्त दिवस तक लगातार जब जब भी विराम आएगा मैं आपसे निवेदन करूंगा और मेरे साथ आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस महामंत्र का गायन करेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है उसे कहते हैं अधिकार लीला। प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि की अधिकार लीला है। अधिकार लीला का अर्थ क्या? इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? वो कौन है जिसे इस कथा को सुनने का अधिकार प्राप्त है, इस कथा को गाने का अधिकार प्राप्त है, और या फिर इस कथा को करवाने का अधिकार प्राप्त है? शास्त्रों में तो बड़े नियम बताए गए कि कथा को सुनने वाला कैसा होना चाहिए, उसका आसन कैसा हो, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा उसका आहार विहार हो, कैसा उसका स्वभाव हो, किस तरह का उसका स्वभाव हो, बहुत सारे नियम बताए गए। लेकिन युग को देखते हुए समय को देखते हुए उतने नियम पालन करना किसी के वश की बात नहीं है। अब बात आती है कथा गायन की कि कथा गाने का अधिकार किसे है, तो स्पष्ट रूप से वेद व्यास जी महाराज ने लिख दिया भागवत के महत्व में, विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। एक सदग्रस्त ब्राह्मण को ही व्यास पीठ पर बैठकर कथा गाने का अधिकार है। विरक्तो वैष्णवो विप्रह, कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्राह्मण अगर व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुनाता है
तो उस कथा को सुनने का आपको पूरा का पूरा फल मिलता है। भगवान का नाम लेने का फल तो मिलता है, चाहे किसी भी भाव से भगवान का नाम लीजिए महाराज। लेकिन भागवत ये कहती है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, ब्राह्मण हो और वो भी सदगृहस्थ ब्राह्मण हो। पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत रहस्य नाम की किताब में बड़े विस्तार से इस रहस्य को समझाते हुए कहते हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि दूध गाय भी देती है और दूध भैंस भी देती है, देती है ना। भैंस का दूध भी सफेद रंग का होता है और गाय का दूध भी सफेद रंग का। भैंस का दूध भी थोड़ा मीठा होता है और गाय का दूध भी थोड़ा मीठा होता है, लेकिन भेद क्या है गाय में और भैंस में बताइए ना। वो भी पशु है और वो भी पशु है। अगर चार पैरों से हम तुलना करें, सींग से और पूंछ से तुलना करें, तो दोनों पशु ही हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम गाय की पूजा करते हैं, क्यों हम भैंस की पूजा नहीं करते, क्यों हम किसी शुभ मांगलिक कार्य में जब जाते हैं तो गाय का शगुन जब आ जाए तो बड़ा मांगलिक मानते हैं और अगर भैंस सामने आ जाए तो महाराज दौड़कर वापस घर में बैठ जाते हैं, एक ठंडा लोटा जल पीते हैं और फिर पुनः भगवान को प्रणाम कर आगे निकलते हैं, करते हैं ना। क्या कारण है? दूध गाय भी देती है और दूध भैंस भी देती है। व्यास पीठ पर एक ब्राह्मण भी बैठकर कथा पढ़ रहा है और कोई अन्य भी बैठकर कथा पढ़ रहा है, ये कोई निंदा नहीं है। मैं तो अक्षरश जो डोंगरे जी महाराज ने कहा है महाराज, उन्हीं वचनों को आपके बीच रख रहा हूं। अगर आपके पास पुस्तक हो तो जाकर के भागवत नवनीत नाम की पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें आप जाकर पढ़ लेना। दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है, कथा ब्राह्मण भी पढ़ता है और कथा कोई अन्य व्यक्ति भी पढ़ता है। अब भेद क्या है? भेद ये है कि हम गाय की पूजा करते हैं और भैंस की पूजा नहीं करते, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान माना गया। 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं और भगवान ने तो जब वेद की रचना की, शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सुक्त नाम का 16 ऋचाओं का एक अध्याय आता है, उसमें तो भगवान ने घोषणा करते हुए कहा, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद, मैं ब्राह्मण के मुख में निवास करता हूं, ब्राह्मण के मुख में मेरा निवास है। तो महाराज जब वच बारिश आती है किसकी पूजा करते हो? गाय की करते हो ना, टोगड़िए की पूजा करते हो। कभी भैंस की पूजा की? क्यों नहीं की? कभी बैठकर विचार करना कि भेद क्या है। क्यों हम भैंस के तिलक नहीं करते, भैंस को माला नहीं पहनाते? अपने मारवाड़ी में तो केवे कि भैंस भैंस रौंड भूतनी पाड़ियो पलेत, केवे कि नहीं केवे? मतलब जो भैंस है ना, भैंस उसको यमराज का वाहन माना। किसका? यमराज। यमराज जब भी आते हैं ना महाराज, तो भैंस के द्वारा उत्पन्न हुए उस बछड़े पाड़िये पर बैठकर ही आते हैं। जब कभी आप बाहर निकलो मांगलिक कार्य के लिए और सामने से कोई भैंस का बच्चा या भैंस आ जाए, तो समझ लेना कि अब कार्य नहीं होगा। शगुन शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण है। तो गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, लेकिन हम पूजा गाय की ही करते हैं। इसी तरह वक्ता अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक अनेक महाराज कुल के वर्ण के होते हैं, लेकिन हां डोंगरे जी महाराज ये कहते हैं कि अगर आप व्यास पीठ से किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुन रहे हो तो महाराज आप ये समझना कि आप गाय का दूध पी रहे हो, अन्यथा आप समझ लो महाराज हरिओम तस्स। बस इतनी सी बात है। अधिकार की लीला का वर्णन किया गया, कथा कहने का अधिकार है किसे? और प्रथम स्कंद का, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण यहां पर वेद व्यास जी करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार मंगलाचरण किया गया, ध्यान से सुनना और लिख लेना। 3 बार मंगलाचरण किया गया। प्रथम बार कथा के आरंभ में महर्षि वेद व्यास का मंगलाचरण है, कथा के मध्य में
श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं और कथा के अंत में श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण गाते हैं। तीन बार भगवान का मंगलाचरण किया गया। और भागवत में और यज्ञ में अंतर क्या है वो आपको बताऊं। भागवत को शास्त्र में सत्र कहा, सत्र, जैसे हमारे सत्र चलते हैं ना राजनेताओं के, विधानसभा सत्र, लोकसभा सत्र चलते हैं ना, कितने कितने दिनों तक चलते हैं। ये सत्र शब्द हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के धर्म से ही राजनीति में आया है। सत्र, भागवत कथा को सत्र कहा। भागवत कथा कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। आजकल लोग लिखवाने वाले लिख देते हैं भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, लिखवाते हैं ना बैनर में, नहीं महाराज। थोड़ा सा गहराई में जाइए शास्त्रों की, थोड़ा किसी सदगुरु की शरण ग्रहण कीजिए, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। भागवत यज्ञ नहीं है। यज्ञ उसे कहते हैं जो एक नियत तिथि पर आरंभ होता है और नियत तिथि पर समाप्त हो जाता है। लेकिन महाराज भागवत की कथा की कभी पूर्णाहुति नहीं होती। यज्ञ की पूर्णाहुति तो होती है लेकिन भागवत की कभी पूर्णाहुति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा एक गंगा है और गंगा कभी रुकती नहीं, ये अविरल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सत्र का अर्थ क्या? यज्ञ, जब भी कहीं पर कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो उसे यज्ञ में जो मुख्य यजमान होता है, यज्ञ करवाने वाला, उसे यजमान से ही संकल्प छुड़वाया जाता है और उसे यजमान को ही उसे यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन भागवत की तो ऐसी महिमा है शास्त्रों में कि भागवत कथा में जो करवाने वाला होता है उसे तो महाराज फल मिलता ही है, लेकिन जितने लोग पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं ना, वे सारे के सारे भक्त मेरी भागवत के यजमान गिने जाते हैं, भागवत के यजमान गिने जाते हैं। और सबको उतना ही फल मिलता है जितना यजमान को मिलता है। इसलिए मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि मुंबई की इस कथा के आप सभी मेरी भागवत कथा के यजमान हो, सात दिनों के लिए सभी यजमान हो। मन में ये संकोच मत रखना कि जो मंच पर आकर के पूजा कर रहे हैं या जो मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, यथार्थ गीता प्राप्त कर रहे हैं, केवल वे ही यजमान हैं, अरे हम तो साधारण श्रोता हैं। नहीं महाराज, अपने मन से हमेशा के लिए भ्रम निकाल देना। जो सबसे पीछे बैठे हैं ना और जो सबसे आगे बैठे हैं, सबके सब मेरी कथा पंडाल के यजमान हैं। इतना ही नहीं महाराज, आज से कुछ दिनों बाद यह भागवत कथा विज्ञान के माध्यम से शुभ टीवी पर दिखाई जाएगी। 13 तारीख से लेकर 19 अप्रैल तक, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दोपहर को 3 बजे से आप इस कथा का पुनः विशेष प्रसारण शुभ टीवी पर देखेंगे। तो मेरी व्यासपीठ तो ये मानती है कि 13 तारीख से 19 तारीख तक जितने लाखों करोड़ों लोग इस कथा को घरों में बैठकर देखेंगे ना महाराज, वे भी मेरी कथा के यजमान गिने जाएंगे, कथा के यजमान गिने जाएंगे। केवल पैसा देने से ही कोई व्यक्ति यजमान नहीं बनता महाराज, हमारे भागवत में तो ये सुविधा है। हाँ, अगर आपको भगवान ने दिया है, द्रव्य दिया है, धन दिया है, तो जुड़िए भागवत में, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भागवत की इतनी इतनी सेवाएं यहाँ पर होती हैं, किसी न किसी एक सेवा का लाभ तो आप इस सप्त दिवस में जरूर लीजिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो, अगर आप द्रव्य दे सकते हैं, धन दे सकते हैं तो, नहीं तो महाराज कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ पर आकर बैठ जाइए, मेरी भागवत का पूरा फल आपको सात दिन में मेरा ठाकुर प्रदान कर देगा। ये है भागवत का फल। आइए भागवत की कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करें। जैसा मैंने कल निवेदन किया था, जब हमने महत्व का मंगलाचरण किया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, उस श्लोक का हमने उच्चारण किया था। आज आप और हम सभी भगवान श्री नारायण की उस वाणी के द्वारा निकले गए भागवत के उस प्रथम श्लोक का गायन और श्रवण करेंगे। जिन्हें लोगों को संस्कृत आती है वे मेरे साथ उच्चारण करेंगे, जिन्हें नहीं आती वे हाथ जोड़कर, अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर, अपने गुरुदेव का और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस श्लोक का श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव से।
जन्माध्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिघ्नस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यहां पर भी वेद व्यास जी ने भगवान की वंदना सत्य नाम से की। भगवान वेद व्यास ने ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि वासुदेवम परम धीमहि गोविंदम परम धीमहि, नहीं। वेद व्यास जी ये कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य स्वरूप भगवान परब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो इस समूचे जगत का पालन और पोषण करता है। एक समय की बात, निमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में हजार हजार वर्षों तक चलने वाले एक सत्र का अनुष्ठान शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने किया। उस सत्र के विराम के समय जब शौनक आदि ऋषिगण निवृत्त हो जाते थे तब वे महामति सूत जी को प्रणाम करके और महामति सूत जी से कथा गाने का अनुनय विनय करते थे। सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातवताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आप सब ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे सूत जी, आपने समस्त इतिहास पुराण और वेदों का अध्ययन किया है, आप हमारे जीवन के कल्याण के लिए कोई शाश्वत साधन बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, तभी से अपनी संपूर्ण शक्ति भगवान ने इस भागवत में निहित कर दी। इसलिए कलिकाल में समस्त वेदों पुराणों और उपनिषदों का जो सार है वो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और अपने पिता वेद व्यास के घर में जन्म लेते ही वे जंगल की ओर निकल पड़े थे, मैं उन महामति सुखदेव मुनि के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चेव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। मंगलाचरण करते हुए सूत जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब तक ये मनुष्य भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने जीवन में नहीं सुनता, जब तक ये भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं करता, तब तक इस मनुष्य के जीवन में विवेक जागृत नहीं होता। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, आइए भागवत आरंभ करने से पहले मैं आपको भगवान के 24 अवतारों की कथा कहता हूं, आप ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम भगवान ने कौमार सर्ग में सनक सनत सनंदन और सनातन इन चार ऋषि कुमारों के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये भगवान श्री हरि का पहला अवतार था। दूसरे अवतार में इस संसार का कल्याण करने के लिए
समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री हरि ने वराह रूप धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में श्री हरि ने नारद जी के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार ग्रहण किया। महर्षि कर्दम और देवहूति को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में धारण किया और सती अनुसुईया के वर मांगने पर भगवान मुनि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में छठे अवतार में से धरा धाम पर पधारे। प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति से यज्ञ स्वरूप भगवान ने सातवां अवतार ग्रहण किया। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने ग्रहण किया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने राजा पृथु के रूप में नौवां अवतार धारण किया और जब त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य रूप बनाकर और दसवां अवतार धारण किया। ग्यारहवां अवतार समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि ने कश्यप रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रभु ने अमृत कलश धारण कर बारहवां अवतार ग्रहण किया और अपने भक्तों को अमृत पान कराने के लिए भगवान तेरहवें अवतार में मोहिनी बनकर के इस धरती पर आए। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण कर चौदहवां अवतार धारण किया। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से पंद्रहवें अवतार में भगवान वामन रूप में इस धरती पर पधारे। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और वे आताताई क्षत्रिय जिनके आंतक से ये धरती कांप उठी थी उनका उद्धार करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में श्री हरि ने सोलहवां अवतार ग्रहण किया। महामुनि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास के रूप में सत्रहवें अवतार में प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भगवान ने अठारहवां अवतार धारण किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान 19वें और 20वें रूप में इस धरा धाम पर आए और 21वें अवतार में हंस रूप में प्रकट होकर सनकादि ऋषियों को भगवान ने उपदेश प्रदान किया। समस्त वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने 22वां अवतार हयग्रीव रूप में धारण किया और 23वें अवतार में भगवान ने बिहार प्रांत में राजा अजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। ये भगवान के 23 अवतार हुए और 24वां अवतार कब होगा? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान का 24वां अवतार कल्की रूप में होगा, लेकिन कब होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा। अभी तक कलयुग आया नहीं है। आप जानते हो कलयुग की उम्र कितनी है? शास्त्रों में कलयुग की उम्र कितनी बतलाई गई? 432,000 वर्ष। अब कल्पना करके देखिए महाराज, अभी हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इस युग की उम्र है कितनी? 432,000 वर्ष। और अभी तक तो मात्र और मात्र 5,500 वर्ष ही निकले हैं। कितने? 5,500 वर्ष। अभी तक तो 427,000 वर्ष हमें भोगने बाकी हैं। तब तक न जाने हम कितने जन्म लेकर इस धरती पर आ चुके होंगे, कितनी योनियां हमने पार कर ली होंगी। 24वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में होगा। बड़े आनंदित हो रहे थे शौनकादि ऋषिगण भगवान के अवतारों की कथा सुनकर। और जीवात्मा को प्रसन्नता और आनंद तब ही मिलता है जब ये भगवान से जुड़ जाता है। और जब जब ये मनुष्य भगवान से विमुख हुआ, भगवान से विलग हुआ, तब तब इस मनुष्य के जीवन में घोर कष्ट आया, घोर कष्ट आया। ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, कष्ट कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी भी आपके जीवन में लाकर डाल ही नहीं सकता, कभी नहीं डाल सकता। किसी मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके जीवन में संकट पैदा कर दे। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा का ही रूप हैं, ममे वांसो जीव लोके।
अगर हमारे जीवन में हमें कष्ट अनुभव में आता है तो उसके दो ही कारण शास्त्र में बतलाए गए। पहला कारण ये कि हमारा ही कोई कर्म गलत रहा होगा, हमने ही कोई कर्म ऐसा किया होगा कि उस कर्म के वशीभूत आज हम दुख भोग रहे हैं, और दूसरा कारण ये रहा कि हम अपने मूल से बिछड़ गए। और हमारी मूल है भगवान श्री हरि, हमने उस परमात्मा को भुला दिया, हम उस परमात्मा को भुला बैठे, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आता है। कल्पना करके देखिए ना कि क्या परमात्मा के अलावा या परमात्मा के बिना हमारा जीवन संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। महाराज हम माथा तो हिलाते हैं स्वीकृति में, लेकिन मानते नहीं हैं। अगर परमात्मा नहीं हो क्या हम इन आंख से देख सकते हैं? अगर परमात्मा नहीं हो क्या हम इस वाणी से बोल सकते हैं? अगर परमात्मा नहीं हो क्या हम इस कान से सुन सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये सब तो छोड़िए, विज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य दिन में 24 घंटे अहो रात्र में 21,600 बार श्वास लेता है। कितना? 21,600 श्वास। श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। इस श्वास के साथ ये जो प्राण वायु हमारे शरीर में जा रही है, इस प्राण वायु को महाराज हमारे शरीर के भीतर कौन भेजता है बताइए ना? वो हरि ही तो भेजता है ना। और जब कभी किसी मनुष्य का शरीर अस्वस्थ हो जाता है, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है, उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में हम भर्ती करते हैं, तो महाराज एक सिलेंडर के कितने हजारों रुपए देने पड़ते हैं ना। तो जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक हमने कितनी ऑक्सीजन ली है, क्या कभी उसने बिल भेजा? कभी नहीं भेजा। और ना महाराज हम कभी जागृत हुए कि अरे ये हमारी श्वास कैसे चल रही है, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे प्राणों के साथ अपना जीवन संचालित कर रहे हैं। कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया, कभी हम जागृत नहीं हुए। ठीक है, श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और सावधान, इसे ही बेहोशी कहते हैं। अनुभवी महात्मा तो ये कहते हैं कि जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है, जो दो नाक है ना, नाक के दोनों छिद्र ये भगवान ने इसलिए बनाए कि एक नाक में से श्वास आती है और दूसरे में से निकलती है। जो आती है वो प्राण वायु है और जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे काम की नहीं है। क्यों आती है ये प्राण वायु हमारे शरीर में? ये प्राण वायु इसलिए हमारे शरीर में आती है कि इस हवा का संपर्क पाकर हमारे शरीर के महाराज जो फेफड़े हैं ना, वे शुद्ध हो जाए, वे स्वस्थ हो जाए। इसीलिए अनुभवी महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम श्वास के साथ सुमिरन करो। किसके साथ? श्वास के साथ। श्वास आ रही है राम, श्वास जा रही है राम, राम 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 राम। क्यों क्यों कहते हैं महापुरुष ऐसा? वे इसलिए कहते हैं कि जब हवा अंदर जाएगी महाराज, तो हवा तो फेफड़ों को शुद्ध करेगी, लेकिन अगर हवा के साथ हमने भगवान राम के नाम को भीतर उतार लिया, तो वो हमारी जन्म जन्मांतरों से मैली पड़ी हुई आत्मा को भी साफ करके चला जाएगा। राम नाम, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून। राम नाम एक अंक है, एक अंक है। और हमारा साधन, हमारे जीवन के सारे साधन क्या है महाराज? सब शून्य है, जीरो है। और जानते हो अंक का महत्व क्या है? अंक अगर किसी के आगे लग जाए, अंक को अगर किसी संख्या के आगे लगा दिया जाए, तो उसे 10 गुना कर देता है। अब मान लो कि हमारा जीवन क्या है? शून्य, जीरो। हमारा जीवन है जीरो और भगवान राम का नाम है एक अंक। तो जीरो के आगे अगर एक लगा दो तो कितना हो गया बोलिए ना? कितना हो गया? 10। 10 गुना हो गया ना। तो हमारा जीवन तो शून्य है, लेकिन इस शून्य जीवन के आगे अगर हम राम नाम का एक अंक जोड़ दें, तो हमारा जीवन 10 गुना आगे बढ़ जाता है, 10 गुना आगे बढ़ जाता है। लेकिन करे क्या, मनुष्य को तो सदैव अहंकार रहता है, मैं ये मनुष्य करता रहता है कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। अरे देखो,
मैंने कितना बड़ा बंगला बनाया है। अरे देखो मेरा इतने हजार करोड़ का साल का बिजनेस है। अरे देखो मुझे इतने लोग जानते हैं। अरे देखो मैंने वहां पर इतना चंदा दिया। अरे देखो वहां पर मेरा शिला लेख लगा है। मैं जीवन पर्यंत ये मनुष्य करता रहता है। और जानते हो मैं कौन करता है? कौन करता है? मैं बकरा करता है। इसीलिए बकरे को अभिमान का स्वरूप बताया शास्त्र में। आगे कथा आएगी राजा दक्ष की। लेकिन ये मनुष्य सुधरता नहीं है। ये मनुष्य मैं करता रहता है। भगवान ऐसे मनुष्य को कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। लेकिन अब तू एक काम करना। क्या कर? गीता में भी तो यही कहा ना, सर्व धर्मान परित्यजम माम एकम शरणम व्रज। हे पार्थ, अरे तू सारे धर्मों का परित्याग कर, माम एकम शरणम व्रज अहत्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष यस्यामि मा शुच। अरे अर्जुन, मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं कि तू करता तो वो है जो तू चाहता है, लेकिन सदैव से जगत में वही होता आया जो मैंने चाहा। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं, और फिर वो होगा जो तू चाहता है। जब ये मनुष्य भगवान की रजा में अपनी रजा मिला देता है ना महाराज, तो फिर उसका जीवन भगवान के हवाले हो जाता है। फिर उस मनुष्य के समझ में आती है और वो मनुष्य कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये बताइए कितने कितने लोग ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन के सारे कार्य वो हरि करता है। हाथ खड़े करके बताना। सब झूठ बोल रहे हैं। अगर वास्तव में आप ये स्वीकार करते हो तो जो कार्य करता है क्या उसको धन्यवाद नहीं देते? देते हैं ना। कैसे दोगे? उठकर खड़े होकर और नाचते हुए आइए बड़े प्रेम और भाव से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी बड़े प्रेम और भाव से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हो मेरा नाम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्यार कैसे पाऊं? टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? और टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये
कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया अरे मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखिए कथा में जो व्यक्ति यूं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। कभी घर में किसी की बारात निकली होगी तो नाचे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नाचना आता नहीं। महाराज घर में बेटा शादी करने के लिए निकलता है बारात लेकर, तो सड़क के चौराहों पर डीजे के गानों पर फुहड़ गानों पर नाचते हो तब शर्म नहीं आती। और यहाँ भगवान के पंडाल में, और मेरी व्यासपीठ तो ये कहती है महाराज कि जो भगवान के पंडाल में एक बार नाच लेता है ना, उसका इस संसार में बार बार का नाचना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही अरे मेरी नाव चल रही है। वो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अरे हैरान है जमाना, जमाना मंजिल भी मिल गई है। अजी हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। अरे हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। अजी हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जो कुछ भी मैंने मांगा, जो कुछ भी मैंने मांगा वो सब मिल गया है। जो कुछ भी मैंने मांगा वो सब मिल गया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। Hold
साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की भी दरकार ही नहीं है, किस चीज की भी तो दरकार भी नहीं है, जो कुछ भी मैंने मांगा, जो कुछ भी मैंने मांगा वो सब मिल गया है, जो कुछ भी मैंने मांगा वो सब मिल गया है। सब काम हो रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब भी कोई मनुष्य अपना सर्वस्व श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी समय उस मनुष्य के सारे कार्य फिर वो हरि ही करते हैं। वो मनुष्य करता हुआ दिखाई तो पड़ता है, संसार में चलता हुआ घूमता हुआ फिरता हुआ दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उस मनुष्य के साथ में भगवान की परम सत्ता जुड़ जाती है, फिर उसके जीवन के सारे कार्य भगवान श्री हरि करते हैं, भगवान श्री हरि करते हैं। सूत जी महाराज कथा के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक समय वेद व्यास जी का मन बड़ा खिन्न हो गया, वेद व्यास जी बड़े उदास हो गए। उदास खिन्न मन से वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं कि उसी समय वहां पर नारद जी आए। नारद जी को आया हुआ देखकर वेद व्यास जी ने उठकर नारद जी को प्रणाम किया, उचित आसन देकर नारद जी को बिठाया। नारद जी पूछने लगे कि हे महामुने, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं, आज आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है, आज आप इतनी चिंता में क्यों हैं? वेद व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, आप तो जानते हैं कि मैंने चारों वेदों का विस्तार किया, इतने उपनिषद लिखे, इतने मंत्र लिखे, इतनी श्रुतियों का मैंने निर्माण किया, इतने पुराण लिखे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्यों मेरा मन उदास है, क्यों मेरा मन खिन्न है। नारद जी कहने लगे कि हे वेदव्यास जी, यह बात सच है कि इस धरती पर आज आपके सिवा कोई भी ज्ञानी नहीं है, आप परम ज्ञानी हैं, लेकिन हे वेदव्यास जी, आपने इतने इतने वेदों का विस्तार किया, उपनिषदों का निर्माण किया, वेद की ऋचाओं के मंत्र लिखे, लेकिन हे वेदव्यास जी, आपने किसी भी ऐसे ग्रंथ का निर्माण नहीं किया जिसमें केवल और केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन भरा हुआ है। जब तक ये मनुष्य भगवान की लीलाओं के अमृत का पान नहीं कर लेता, तब तक उस मनुष्य के जीवन का संताप दूर नहीं होता। ज्ञानी होना एक अलग बात है,
ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन महाराज ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो केवल और केवल भाव से मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। नारद जी कहने लगे कि आज तक आपने ज्ञान से संबंधित तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन आपने भक्ति को बढ़ाने वाला एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वेद व्यास जी को कहा कि हे वेद व्यास जी, लीजिए मैं आपको चार श्लोक देता हूं, आप इन चार श्लोकों का अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से विवेक से विस्तार कीजिए और ये करते ही आपका संताप दूर हो जाएगा। और आज नारद जी ने वेद व्यास जी का संताप दूर किया। वे चार श्लोक, आगे आएगी कथा, वे चार श्लोक वे ही श्लोक हैं जो आदि नारायण भगवान श्री हरि ने अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रदान किए और ब्रह्मा ने वे चारों श्लोक नारद जी को प्रदान किए। मूल में भागवत की जो कथा है उसके मूल में केवल और केवल चार ही श्लोक हैं, जिसे चतुश्लोकी भागवत कथा कहते हैं। फिर वेद व्यास जी तो जो विस्तार करना जानता है उसे व्यास कहते हैं। व्यास कोई जाति नहीं है महाराज, व्यास कोई जाति नहीं है, व्यास तो एक उपाधि है। जो विस्तार करना जानता है ना उसे व्यास कहते हैं। वेद व्यास जी ने वेद के मंत्रों का विस्तार किया इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, अब मैं आपको परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं, क्योंकि इन्हीं कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का सूर्य उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की टांग टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर और सोती हुई द्रौपदी के पास सोते हुए पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर काटकर और अपने मित्र दुर्योधन को भेंट किए। जब दुर्योधन ने उन पांचों सिरों को लेकर अपने दोनों हाथों से दबाया तो महाराज वो चकनाचूर हो गए। दुर्योधन अश्वत्थामा को कहने लगे कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या पाप कर दिया, अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, क्योंकि पांडवों के पुत्र पांडवों के जैसे ही दिखते थे। उधर जब द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। द्रौपदी का विलाप सुनकर गांडीव हाथ में उठाकर दौड़ पड़े अर्जुन और जाकर युद्ध में अश्वत्थामा को हराकर एक जानवर की भांति पकड़कर और लाकर के पांचाली के आगे पटक दिया। द्रौपदी के आगे पटक कर अश्वत्थामा को अर्जुन कहने लगे कि ले पांचाली ले, ये तेरा अपराधी तेरे चरणों में बैठा है, तू कहे तो अभी इसे मृत्यु दंड दे दूं। द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि आज जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, कल जब ये मर जाएगा तो इसकी मां भी इसके वियोग में रहेगी, और भला एक मां होते हुए मैं किसी मां को दुख कैसे पहुंचा सकती। द्रौपदी कहने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, हे नाथ, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम एषः, अरे इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण हम क्षत्रियों के गुरु हैं और हमें हमारे गुरु के वध का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। लेकिन भीमसेन की भुजाएं फड़क रही हैं, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ से बैठे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और भगवान कृष्ण ने आंख ही आंख में इशारा कर दिया। अर्जुन भगवान कृष्ण का इशारा समझ गए और अर्जुन ने उसी समय अश्वत्थामा के ललाट में जो मणि चमक रही थी उस मणि को मस्तक में से निकाल दिया और अश्वत्थामा के सिर की शिखा का छेदन कर दिया। शिखा काट दी गई अश्वत्थामा की, और शास्त्र ये कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण को दंड देना हो तो उस ब्राह्मण के सिर की शिखा काट देने से उस ब्राह्मण को मृत्यु दंड का ही अपराध भुगतना पड़ता है।
किसी ब्राह्मण की अगर शिखा कट जाए तो समझ लीजिए कि आज उसकी मृत्यु हो गई। विलाप करते हुए अश्वत्थामा अर्जुन को कहने लगे कि अरे अर्जुन, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय कर दिया, अरे तूने मेरी मणि निकाल ली, मेरी शिखा छेदन कर ली, अरे इससे तो अच्छा था कि तू मुझे मार देता। और महाराज, तब से लेकर आज पर्यंत वो अश्वत्थामा अपने पश्चाताप का बदला लेने के लिए इस धरती पर घूम रहा है। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। सप्त चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा। उधर भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ की ओर निकले, उसी समय अहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के पास आई और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, हे जगतपति भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए, न जाने क्यों मेरे गर्भ में मुझे जलन महसूस हो रही है। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था। उधर जब अश्वत्थामा को अपमानित किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अपमान के वशीभूत होकर अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए छोड़ा। भगवान ने ध्यान दृष्टि से देखा, भगवान सारी बात समझ गए और उसी समय लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और जा पहुंचे उत्तरा के गर्भ में। ज्यों ही उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण पहुंचे, ब्रह्मास्त्र ने भगवान को देखा, ब्रह्मास्त्र भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गया। आज भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने पांडवों के वंश की रक्षा की। अब वो समय आया जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो रहे हैं। कुंती बुआ खड़ी है, पांचों पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जा पहुंचे कुंती बुआ के सामने और कुंती बुआ के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कुंती बुआ को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कुंती बुआ को भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे बुआ, अब मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, आपको जो कुछ भी मांगना हो आप मुझसे मांग सकती हैं। जौ ही कुंती बुआ ने सुना, कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे कृष्ण, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन से कभी दुख जाए ही नहीं, मेरे जीवन में मुझे घोर दुख भुगतना पड़े, आप मुझे ऐसा वरदान देकर के जाइए। भगवान कृष्ण कुंती बुआ को कहने लगे कि अरे बुआ, तूने ये क्या मांग लिया? अरे संसार के लोग तो मुझसे धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, और हे बुआ, तू मुझसे दुख मांग रही है, अरे ये कैसा वरदान है? कुंती बुआ कहने लगी कि हां कृष्ण, अरे कृष्ण, मैं जानती हूं कि जब जब भी मेरे जीवन में कष्ट आया, जब जब भी मेरे जीवन में संकट आया, तब तब तुम ढाल बनकर मेरे जीवन में मेरे आगे खड़े रहे। जब मेरे पांचों पुत्रों को लाक्षाग्रह में जलाकर मारने की चेष्टा की गई, तब मेरे पुत्रों का आपने रक्षण किया था कृष्ण। जब मेरी कुलवधू द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा कौरवों की सभा में की गई, तब हे भगवान कृष्ण, आपने मेरी कुलवधू की लाज रखी थी। और हे कृष्ण, महाभारत के इस घोर युद्ध में भी तो आपकी करुणा से ही तो हमारे पुत्रों ने युद्ध जीता है। हे कृष्ण, जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक आप थे, और आज जब हमारे जीवन में सब कुछ सुख आ गया तब आप हमें छोड़कर जा रहे हो कृष्ण। अरे कृष्ण, मैं ऐसे सुख का क्या करूं जो सुख मुझे मेरे कृष्ण से जुदा कर दे, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़कर कुंती बुआ का कहने लगे कि अरे बुआ, तुम शोक मत करो,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बुआ तू जब जब भी मुझे पुकारेगी मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि हे कृष्ण, उधर पितामह सर सैया पर अंतिम श्वासें ले रहे हैं, वे आपके अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए बैठे हैं। कुंती बुआ पांचों पांडव और पांचाली को साथ लेकर रथ में सवार होकर कृष्ण निकल पड़े उस स्थान की ओर जहां पर अर्जुन के द्वारा छोड़े गए गांडीव धनुष में से बाणों से सारा शरीर बींधा हुआ पड़ा है। बाणों की सर सैया पर भीष्म पितामह लेते हैं। उस स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण का रथ रुका और ज्यों ही रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने जाकर के खड़े हुए। पांचों पांडवों ने जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। ज्यों ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह कहने लगे कि अरे पुत्र अर्जुन तू आ गया। अरे वत्स देख, कितने दिनों से तेरे छोड़े हुए बाणों की इस सैया पर मैं लेटा हुआ हूं। अरे अर्जुन मुझे बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है, क्या तू मुझे पानी नहीं पिलाएगा। उसी समय अर्जुन ने अपने तुनीर में से एक बाण निकाला और बाण निकालकर अर्जुन ने उसे धरती में छेदन किया। धरती में से बाण गंगा प्रकट हो गई, बाण गंगा प्रकट हो गई। बाण गंगा की धार निकलकर सीधी भीष्म पितामह के मुख में गई। भीष्म पितामह ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। मन ही मन सरसैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को निहारते हुए प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह कहने लगे, हे परब्रह्म, हे चराचर जीव जगत के स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण, मैं गंगा पुत्र भीष्म आपको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। भले ही सारी दुनिया में आप छलिया बनकर लोगों को छल सकते हैं, लेकिन हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप उसी परब्रह्म का अवतार धारण करके इस धरती पर आए हैं। हे केशव, में आपके असली स्वरूप को पहचानता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, आपकी ही कृपा से मैंने आपके निज स्वरूप के दर्शन कई बार किए हैं, कई बार किए हैं। हे कृष्ण, मैं वो दिन कैसे भूलूं जब कौरवों की सभा भरी हुई थी, पांचों पांडव जुए में हार गए थे और मेरी ही कुलवधु इस पांचाली को, इस द्रौपदी को नग्न करने के लिए, जो रजस्वला अवस्था में थी, उसे नग्न करने के लिए दुष्ट दुशासन केस पकड़कर खींचकर सभा में लाया था। और हे कृष्ण, उस सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे थे, मैं स्वयं बैठा था, कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, धौमाचार्य बैठे थे, विदुर बैठे थे, लेकिन हे कृष्ण, हम में से किसी का भी बल काम नहीं आया। और हे कृष्ण, मैंने देखा है कि जब द्रौपदी ने आपको पुकारा तब आप हे कृष्ण चीर बनकर उस सभा में प्रकट हो गए थे, उस सभा में प्रकट हो गए। मैं उस दृश्य को कैसे भूलूं कृष्ण, कैसे भूलूं। और हे केशव, मैं वो दृश्य कैसे भूल सकता हूं जब आप शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में आए थे, दुष्ट दुर्योधन आपको बांधने चला था, और हे कृष्ण, उस समय उस कौरवों की विराट सभा में आपने जो अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया था, हे कृष्ण, मैं वो दृश्य कैसे भूलूं, कैसे। और हे कृष्ण, महाभारत के इस युद्ध में आपने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में मैं किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं श्री कृष्ण के हाथों में अस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूं तब तक मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। और हे कृष्ण, मुझे आज भी याद आता है वो दृश्य जब मेरे बाणों की बौछार थे, मेरे बाणों की वर्षा से अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया था
उस समय हे कृष्ण आप सिंह की भांति उस टूटे हुए रथ का पहिया लेकर और मेरी ओर दौड़ पड़े थे। कृष्ण मैं वो दृश्य कैसे भूलूं, मैं वो दृश्य कैसे। मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए हे कृष्ण आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन हे कृष्ण आज मैं ये रहस्य जान चुका हूं कि आप कौन हैं। हे कृष्ण वैसे तो मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन न जाने क्यों एक प्रश्न बार बार मेरी आत्मा को कौंध रहा है, बींद रहा है। हे कृष्ण मुझे मेरे पिछले 100 जन्म याद हैं, लेकिन मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। हे कृष्ण ये बताने की कृपा करें कि ये मेरे कौन से जन्म का पाप है कि आज मैं इस बाणों की सरसैया पर लेटा हूं, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पितामह ये सत्य है कि आप धर्म परायण हैं, और ये भी सत्य है कि आपको आपके पूर्व के 100 जन्म याद हैं, लेकिन हे पितामह याद कीजिए वो दृश्य जब आपकी ही कुलवधू पांचाली को नग्न करने के लिए दुष्ट दुर्योधन ने बुलावा भेजा था, आप भी उस सभा में मौजूद थे। हे पितामह अगर आप चाहते तो दुष्ट दुर्योधन और दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। और हे पितामह शास्त्र ये कहता है, धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है कि अपराध करने वाला उतना अपराधी नहीं होता जितना अपराध करते हुए देखने वाला अपराधी गिना जाता है। इसलिए हे पितामह ये आपको आज उसी का दंड भुगतना पड़ रहा है। भीष्म पितामह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव अब आप करुणा करिए, करुणा करिए। हे केशव इतने जन्म जन्मांतरों का अनुष्ठान करते हुए मेरी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, अब मैं मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का वरण आपसे करता हूं, इस कन्या का विवाह आपसे करता हूं। हे श्री कृष्ण आप मेरी बुद्धि रूपी कन्या का वरण कर लीजिए और मुझे अपनी करुणा प्रदान कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी समय सबके देखते ही देखते देखते ही देखते भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण की आंखें एकाकार हो गई, दोनों की आंखें एक हो गई। महाराज उधर आकाश मार्ग में सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व और किन्नर आकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह के इस महाप्रयाण की बेला का वे दर्शन कर रहे। आहा, मरण हो तो ऐसा हो। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति निकलकर सीधी की सीधी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रविष्ट हो गई महाराज। और उसी समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से नंदन वन के पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सभी ऋषिगण साधो 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 कहते हुए भीष्म पितामह को प्रणाम करने लगे। महाराज प्रणाम कर, मरण हो तो ऐसा हो। भागवत हमें सिखाती है, मैंने कल निवेदन किया था, रामायण जीना सिखाती है, गीता कर्म करना सिखाती है, और भागवत मरना सिखाती है। मरे कैसे? क्या ऐसे ही मर जाओगे? क्या अपने हृदय में वासनाओं को लेकर मरोगे? क्या अपने हृदय में कामनाओं को लेकर मरोगे? क्या अपने हृदय में अतृप्त इच्छाओं को लेकर के मरोगे? नहीं महाराज, हमारे सांसारिक जीवन में जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तब उसकी पहचान हो जाती है कि वो व्यक्ति कैसा था। जब कोई मनुष्य मरता है तब उसके पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं ना महाराज, उसके बारे में बातें करते हैं। अगर कोई मनुष्य मर जाए और उसके पीछे चलने वाले लोग ये कहें कि अरे बड़ा भला आदमी था, कितना संत था, संत हृदय था, उदार व्यक्तित्व था, इसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव भगवान का भजन करता था, कभी किसी को पीड़ा नहीं देता था, कभी किसी को दुख नहीं देता था, तो महाराज समझ लेना कि वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ लोक का वासी हो गया। और अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके पीछे कहे कि चलो पीछा छूटा, अरे बड़ा
बेकार आदमी था। चलो धरती का भार हल्का हुआ तो समझ लो कि वो व्यक्ति नरक में गया। बस यही पहचान है महाराज स्वर्ग और नरक की, बाकी तो किसने देखा है बताइए ना, न मैंने देखा न आपने देखा। कोई बता सकता है स्वर्ग में कौन जाकर के आया है, कौन नरक में? मरने के पीछे जो चर्चा होती है उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहां गया। और ध्यान रखना, संतों का मरण सदैव मंगलमय होता है। जब हम मरते हैं ना, तब हमारे पीछे संसार के लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं, आंसू बहाते हैं। और जब संत मरता है तब क्या होता है? ढोल नगाड़े बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं, पुष्प उछाले जाते हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। दो बातें हमेशा ध्यान में रखना, भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, और संत के मरण का उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं, पूरी प्रकृति हर्षित हो उठती है। और जब संत इस धराधाम को छोड़कर जाता है, वैकुंठ में बैठे हुए देवता हर्षित होते हैं कि आज एक पुण्यात्मा हमारे वैकुंठ लोक में पधार रही है। तो अब सोच लेना कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अंत समय जब आ जाए तब भगवान से केवल और केवल एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जब मेरा अंत समय आ जाए तब मेरी बुद्धि में, मेरी वाणी में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में और मेरे मन में इस संसार के रिश्तों को मत रखना, इस संसार के पदार्थों को मत रखना, इस संसार के भोग को मत रखना। दिन रात केवल और केवल प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे हरि, जब अंत समय आ जाए तो केवल और केवल इतना जरूर करना कि मुझे तेरा स्मरण बना रहे, मुझे तेरा स्मरण बना रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले लो, जब प्राण तन से निकले। बस केवल और केवल इतनी ही प्रार्थना उस प्रभु से करना, हे गोविंद, जब भी मैं तेरे धाम की ओर वापिस आऊं, इतनी मति जरूर बनाए रखना, इतनी स्मृति जरूर बनाए रखना, इतना ध्यान जरूर बनाए रखना कि मुझे तेरा स्मरण होता रहे, तेरा स्मरण होता रहे। लेकिन नहीं होता ना? क्यों नहीं होता जानते हो? क्योंकि दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हम संसार को ही याद करते हैं, संसार के रिश्तों में, संसार के स्वार्थ में, संसार के भोग पदार्थों में हमारा मन इतना रम गया कि हम उस संसार बनाने वाले को भूल बैठे। जिसने संसार बनाया उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं और इस संसार में हम खोए रहते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र करुणा करते हैं, एक उपाय बता रहा हूं आपको, लिख लेना। अगर आप ये चाहते हो कि अंत समय में
अब किसका अंत समय कब आ जाएगा, कौन सी घड़ी, कौन से काल, कौन सी अवस्था में, ये तो कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता। लेकिन जब अंत समय आए तब हरि का स्मरण कैसे बना रहे, उसके लिए क्या करें, तो शास्त्र आज्ञा करता है कि जो मनुष्य प्रति दिवस प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ कर लेता है, किसका, लिख लो, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्तोत्र है, किताब बाजार में मिल जाएगी, गीता प्रेस गोरखपुर की भी है, उसका जो मनुष्य रोजाना एक बार पाठ कर लेता है ना, उस मनुष्य के अंतकाल में स्वयं हरि आकर के उसे अपनी याद दिला देते हैं। बस ये जरूर कर लेना। भीष्म पितामह महाप्रयाण की ओर अग्रसर हो गए और उधर कृष्ण द्वारिका प्रस्थान कर गए और पांडवों ने भी अनुकूल समय जब आया, पांडवों के वंशज राजा परीक्षित का जन्म हुआ, राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि अब वो समय आ गया जब राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे देना चाहिए। पांचों पांडवों ने मिलकर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांचों पांडव पांचाली को साथ लेकर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान कर गए। धीरे 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 एक एक कर चारों पांडव युधिष्ठिर के अलावा और पांचाली हिमालय में विलीन हो गए। लेकिन जब हिमालय के अंतिम छोर पर पहुंचे युधिष्ठिर, तब युधिष्ठिर को लेने के लिए एक विमान आया और उस विमान में बैठकर धर्मराज युधिष्ठिर हमेशा हमेशा के लिए धर्म नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की। युधिष्ठिर जी धर्मराज के ही अवतार थे। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, समय अभाव के कारण नहीं बता पाऊंगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजा परीक्षित आरूढ़ हो गए, धर्म पूर्वक शासन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि आज मैं आखेट खेलने जाऊं, शिकार करने जाऊं। जा पहुंचे अपने कोष भंडार में, भंडार गृह में जाकर उन्होंने संदूक खुलवाया और एक बड़ा प्यारा सा सोने का हीरों से जड़ा हुआ एक मुकुट निकाला। उस मुकुट को सिर पर धारण कर घोड़ा हाथ में लेकर और लगाम खींचते हुए राजा परीक्षित निकल पड़े जंगल की ओर। दिन भर इधर उधर विचरण करते 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 निर्दोष पशुओं को मारकर थक हार कर जब प्यास लगने लगी, राजा परीक्षित एक ऋषि की कुटिया के आगे पधारे। वहां पर उन्होंने घोड़ा बांधा, भीतर गए, ऋषि की कुटिया में देखा, ऋषि ध्यान मग्न है। थोड़ी देर तो राजा परीक्षित बैठे रहे, लेकिन ऋषि तो बड़ी गहरी समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि अरे, मैं इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे देखकर, आया हुआ देखकर भी ये मेरा अपमान कर रहा है, अरे ये तो ढोंग कर रहा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया, क्रोध से भरा हुआ चित्त लेकर राजा परीक्षित उस कुटिया से बाहर निकले और जो ही बाहर निकले कि मरा हुआ सर्प पड़ा देखा, उसे बाण की नोक से उठाया और ले जाकर उस ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। उधर जब उस ऋषि के बालक को समाचार मिला कि कोई आया था पीछे से और उसने उसके पिता के, ध्यानस्थ पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उस ऋषि के पुत्र ने नदी का जल हाथ में लिया और वज्र वाक का प्रयोग करते हुए कहने लगा कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। उधर जब ऋषि का ध्यान टूटा, ऋषि को समाचार मिला कि इस तरह पीछे घटना घटी, ऋषि ने ध्यान योग से देखा और ऋषि विचार करने लगे कि अरे, ये तो हमारे राज्य के चक्रवर्ती सम्राट पांडवों के वंशधर राजा परीक्षित थे। उसी समय ऋषि ने एक शिष्य के हाथों समाचार भिजवाया। ऋषि के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को समाचार दिया और उधर जो ही राजा परीक्षित अपने हस्तिनापुर महल में पहुंचे, मुकुट उतारा,
सिर से और मुकुट उतारते ही राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ कि अरे आज ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, अरे आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने जो मुकुट पहना था वो मुकुट जरा संत का मुकुट था। जरा संत बड़ा आताताई था, बड़ा क्रूर व्यक्ति था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जितने राजा युद्ध में हारे उन सबके स्वर्ण आभूषण मुकुट अस्त्र शस्त्र इत्यादि कोष भंडार में सुरक्षित रख दिए गए। और शास्त्र इस घटना से ये बताता है कि हमारे जीवन में वस्त्रों का और आभूषण का कितना प्रभाव पड़ता है। कैसा वस्त्र पहने, कैसा आभूषण पहने, कैसा श्रृंगार करें, किसके घर का अन्न खाएं और किसके घर का अन्न नहीं खाएं, इसका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। केवल और केवल एक दुष्ट व्यक्ति के माथे पर पैर पहने हुए मुकुट को धारण करने से परीक्षित की बुद्धि विभ्रमित हो गई। राजा परीक्षित पश्चाताप कर ही रहे थे कि उसी समय उस ऋषि का शिष्य जा पहुंचा और उसने समाचार दिया कि हे राजन, हमारे गुरुदेव शमिक ऋषि ने आपको समाचार भेजा है कि आपने उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था उसके वशीभूत उनके पुत्र ने आज से ठीक सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी, ये श्राप दिया है। जो ही ये सुना राजा परीक्षित ने, राजा परीक्षित तो कूदने लगे, नाचने लगे, हर्षित होने लगे, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगे कि अरे प्रभु तेरी कैसी लीला है, अरे मैंने अभी अभी अपराध किया और अपराध करके मैं घर पहुंचा हूं और तूने मुझे दंड दे दिया, प्रभु तेरी लीला अपार है। कथा कहती है कि उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं अनशन व्रत लेकर निकल पड़े जंगल की ओर। राजा परीक्षित जाकर जंगल में अनशन व्रत लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब ये समाचार मिला, सारे ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर उस जगह पर आने लगे और कथा कहती है कि उसी समय वहां पर भगवत प्रेरणा से, अपनी ही इच्छा से श्री सुखदेव जी भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए जहां पर राजा परीक्षित बैठे थे। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जब गुरुदेव वहां पर आए, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, सबने उठकर सुखदेव जी का अभिवादन किया। क्या आप नहीं करोगे? किन किन लोगों ने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है, ईमानदारी से बताना हाथ खड़े करके। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने। तो जब गुरुदेव आते हैं तो क्या हम बैठे रहते हैं? बैठे नहीं रहते ना, उठकर खड़े होकर और नाचते हुए हम गुरुदेव का अभिवादन करते हैं। आइए गुरुदेव सुखदेव मुनि का हम अभिनंदन करते हैं बड़े प्रेम और भाव से। परिवारी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे, परिवारी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे, हमारा सतगुरु मंगण आया रे बलिहारी जाऊ रे, हमारा सतगुरु मंगण आया रे बलिहारी जाऊ रे, बलिहारी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे, इमार सतगुरु इमार सतगुरु आंगण आया रे मेवारी जाऊं रे, इमार सतगुरु आंगण आया रे मेवारी जाऊं रे। बोले सतगुरुदेव की, प्रेम और भाव से। सतगुरु आंगण आया ए मैं गंगा गोमती नाया, अरे सतगुरु आंगण आया। आप लोगों ने मारवाड़ी आवे, कितना लोगों ने आवे बताओ नहीं तो गाओ नहीं सागे सागे। अरे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगण आया ए मैं गंगा गोमती नाया, अरे सतगुरु आंगण आया
मारा सतगुरु ए मारा दीन गुरु ए मारा सतगुरु आंगण आया रे वारी जाऊ रे सतगुरु आंगण आया रे वारी जाऊ रे मिलकर आओ केसर रा तिलक लगाओ अरे सखिया मिलकर आओ केसर रा तिलक लगाओ ओ सखिया मिलकर आओ केसर रा तिलक लगाओ सब सखिया मिलकर आओ केसर रा तिलक लगाओ ये गुरुदेव ने बताओ रे में वारी जाओ रे गुरुदेव ने बताओ रे में हरी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे हो हरी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे मारा सतगुरु मारा सतगुरु मारा सतगुरु आंगण आया रे वारी जाऊ रे मारा गण करु आंगण आया रे वारी जाऊ रे बोले अपने अपने गुरुदेव की प्रेम और भाव से ये मौका बार बार जीवन में नहीं आएगा इसलिए बड़े प्रेम और भाव से जिन माताओं को भीतर नृत्य करने में संकोच होता है वे आगे आ सकती है कल से ये व्यवस्था कर देना सत्संग बन गई भारी हे गाओ मंगलाचरी आ सत्संग बन गई भारी हे गाओ मंगलाचरी आ सत्संग बन गई भारी हे गाओ मंगलाचरी आ सत्संग बन गई भारी हे गाओ मंगलाचरी ये मारी खुले ही देरी बारी हो वारी जाऊ रे मारी खुले ही देरी बारी रे हारी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे हो हारी जाऊ रे भला बलिहारी जाऊ रे इमार सतगुरु मारा सतगुरु इमार सतगुरु आया आंगणिये में वारी जाऊ रे इमार सतगुरु आया आंगणिये में वारी जाऊ रे बलिहारी हो
बलिहारी वारियो 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 गुरु थे आपने बलिहारी वारियो गुरु दाता आपने बलिहारी सदगुरुदेव के रूप में आकर विराजमान हो गए। सुखदेव मुनि को आया हुआ देखकर राजा परीक्षित हर्षित हो गए। सभी ने उठकर प्रणाम कर सुखदेव मुनि का अभिवादन किया, वंदन किया। सूत जी महाराज को यहां पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे महामुनि, जब सुखदेव मुनि आकर के वहां पर विराजमान हुए, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, कौन सा रहस्य उद्घाटित हुआ? राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को क्या पूछा, आप बताइए ना, हम सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपके सामने वो सारा रहस्य प्रकट करूंगा, लेकिन कल दोपहर को ठीक 3:30 बजे। आइए आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा व्यासपीठ से निवेदन करूं कि आज तक तो छूट थी माताओं को, गणगौर थी ना आज, फिर भी गणगौर का व्रत होने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हो, मैं व्यासपीठ से आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद दूंगा कथा में पधारे हुए पुरुष भाइयों को, भक्तों को। बहुत कम कथा में इतनी संख्या में पुरुष आ पाते हैं, और वो भी मुंबई जैसी माया नगरी में। आप लोग अपना कार्य करते हुए भी उसमें से समय निकाल कर आते हैं। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि संसार के सारे कार्य प्रभु ही करता है,
मनुष्य तो मात्र करता हुआ दिखाई देता है। तो जिसे ये बात समझ में आ जाती है ना महाराज, जिसके हृदय में ये बात उतर जाती है, तो फिर वो मनुष्य क्या करता है जानते हो? वो मनुष्य ठीक दोपहर के 3 बजे तक तो सारे कार्य करें संसार के, चाहे पुरुष हो चाहे माता हो, 3 बजे तक तो संसार के सारे कार्य करें, लेकिन 3 बजे के बाद भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ये कहें कि हे हरि, अभी तक तो मैंने किया है, मुझसे तूने करवाया है, अब मैं 3.5 घंटे की छुट्टी लेकर के आपकी कथा में जा रहा हूं, तो आप मेरे वो 3.5 घंटे संभाल लेना ना। जानते हो, आप जब ऐसी प्रार्थना करके कथा में आके बैठते हो ना, तो महाराज 3.5 घंटों की तो क्या बात कहूं, मेरी व्यासपीठ कहती है आपके जन्मों जन्मों के काम को प्रभु संभाल लेता है जन्मों जन्मों। इसलिए शोक मत करना, संकोच मत करना कि मैं कथा में कैसे जाऊं। अरे कथा में जाऊं कैसे, समय नहीं है। समय किसके लिए नहीं है? उसके लिए समय नहीं है जिसने समय बनाया। अरे ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ा मूर्खता भरा प्रश्न है ना। जिसने समय दिया उसके लिए समय नहीं है? 7 दिनों के लिए वो हरि भागवत का रूप धारण कर आप और हम सबके बीच में इस सुथारवाड़ी के प्रांगण में उतरे हैं, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा में पधारे, श्रवण करें। कथा ठीक 3:30 बजे आरंभ होने का समय रहता है, लेकिन क्या करें, जब तक भक्त ही नहीं आते तो भगवान आकर के क्या करेंगे। आज 4 बजे तक कोई नहीं आया, ये शिकायत नहीं है, कुछ लोग आए हैं, 2-4 लोग आके बैठ गए थे, लेकिन समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये लौट करके वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय का ध्यान रखें। ठीक 3 बजे यहाँ पर संकीर्तन आरंभ हो जाता है, पूरे काम करिए घर के, लेकिन 3 बजे से पहले उसको करने की कोशिश करें, आकर यहाँ पर विराजमान हो जाएं 3:30 बजे। देखो भगवान ने तो शास्त्र में कहा, ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद, मैं तो वही निवास करता हूं जहां मेरे भक्त जाकर गायन करते हैं, उठते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। लेकिन जब भक्त ही नहीं आए तो भगवान आके क्या करेंगे? अगर भगवान को बुलाना है तो पहले आप आकर बैठिएगा। कल आओगे ना समय पे? कितने लोग आएंगे हाथ खड़े करके बताना। अच्छा, इतने लोग तो पक्के हो गए। अब आप जितने लोग हो, कम से कम उतने लोगों को और प्रेरणा दो। प्रेरणा कैसे देनी है, कैसे दोगे प्रेरणा? फोन करके। दिन भर अंगूठा चलाते हो ना व्हाट्सएप पर, दिन भर अंगूठा चलाते हो, फालतू के समाचार भेजते हो, फालतू की चैटिंग करते हो, तो महाराज थोड़ा बहुत समाचार ग्रुप के सदस्यों से, इनसे संजय जी से और प्रदीप जी से आप ग्रुप में जुड़ जाइए, उनसे संदेश प्राप्त कर लीजिए भागवत का, और अपनी तरफ से भी 2 लाइनें निमंत्रण की लिखकर अपने स्नेही को, मित्र को और परिवार वालों को भेजिए कि आप पधारिए कथा में। जानते हो ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति भागवत का प्रचार करता है ना, कि वहां भागवत हो रही है चलो हमें जाना है, या वहां भागवत हो रही है आप वहां पर जरूर आना, तो शास्त्र ये कहता है कि उस प्रचार करने वाले को भी भागवत का पूरा फल हरि प्रदान कर देते हैं। तो कम से कम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी ये करिए। और कल हम एक ऐसा प्रयोग करवाएंगे, यहां पर आज तो नहीं है वो प्रयोग की व्यवस्था, तो आज भागवत कथा यहाँ विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में 2रा दिन। आरती से पूर्व मैं कुछ मेहमानों को यहाँ महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करवाने मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा, शांतिलाल जी भट्टड़, माननीय जेठमल जी बोहरा, शांतिलाल जी पुरोहित दहीसर, बजरंगलाल जी पाटोदिया, श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट कमेटी के सदस्य लक्ष्मण जी बरड़वा, मंगनीराम जी ओस्तवाल, हमारे यहाँ पर बैठे वरिष्ठों में हरिप्रसाद जी त्रिपाठी, गिरजा शंकर जी तिवारी, सीताराम जी अग्रवाल,
हनुमान जी चाड़वास, रमेश जी पुरोहित, नथुराम जी बरडवा, सभी से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। शांतिलाल जी भट्टड़, जेठमल जी बोरा, ठाकुर जी, शांतिलाल जी पुरोहित दहीसर, बजरंगलाल जी पाटोदिया, लक्ष्मण जी बरडवा, मंगनीराम जी ओस्तवाल, हरिप्रसाद जी त्रिपाठी, गिरजा शंकर जी तिवारी, सीताराम जी अग्रवाल, हनुमान जी चाड़वास, रमेश जी पुरोहित, ठाकुर जी, सभी आप पधारें जल्द से जल्द। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आज दूसरे दिन कथा का रसपान किया, श्रवण किया। महाराज जी ने भी निवेदन किया समय का। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा समय का ध्यान, अगर हमें कथा का पूरा आनंद लेना है तो समय पर थोड़ी उपस्थिति का आपसे सादर निवेदन है। आप सभी भक्त प्रेमियों, सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के इस पंडाल में, इस जो आपकी सहयोगी संस्था इस कथा में, उनके यहाँ के प्रतिनिधि कोई भी है तो मैं कृपया उनको भी मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा की सहयोगी संस्थाएं हैं जांगीर सेवा संघ, श्री विश्वकर्मा जांगीर सेवा समिति, श्री लटियाल मां आरती मंडल भयंदर, श्री विश्वकर्मा समाज सेवा संस्था मुंबई, मरु भारतीय सेवा संघ मुंबई, सिरवी विकास मंडल मीरा भयंदर, राजस्थान वैष्णव ब्राह्मण भवन ट्रस्ट मुंबई, श्री विश्वकर्मा वंश सुधार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, श्री नामदेव नवयुग मंडल मुंबई, राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था श्री गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, श्री सालासर हनुमान प्रचार मंडल मुंबई, श्री विश्वकर्मा वंश सुधार समिति मुंबई, श्री मुंबई वैष्णव समाज संघ मुंबई। इन संस्थाओं के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है तो कृपया मंच पर पधारे, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। भागवत जी का ये आशीर्वाद हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुंबई महानगर के इस मीरा भयंदर में श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रांगण में आप सभी यहाँ पधारे हैं भक्तजन। मैं प्रेम जी व्यास विरार से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर पधारे। अब मैं निवेदन करूंगा आज के जो हमारे मुख्य यजमान मानस पूजा के लाभार्थी परिवार, मैं जोपिंग परिवार से निवेदन करूंगा कि आरती के लिए आप ऊपर पधारे। आज के मानस पूजा के यजमान बगाणी जोपिंग परिवार, चित्र का पार जिला बाड़मेर में हमारे युवा साथी कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि आरती के लिए पधारे। सपत्नी त्रिपाठी जी आप भी पधारे कृपया। आज के इस कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार, कल की मानस पूजा, अभी कुछ जिनकी मानस पूजा में कोई अपना यजमान कोई सेवा में या मानस पूजा में अपना नाम लिखाना चाहे तो यहाँ लिखा सकता है। ये आप सभी के सहयोग से आप सभी के लिए, हम सभी के लिए सुअवसर है। भागवत कथा का यहाँ जो सुअवसर प्राप्त हमें हुआ है उसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये
ये जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, फिर निवेदन करना चाहूंगा एक बार कि ये कथा का आयोजन प्रवासी समस्त प्रवासी राजस्थान समाज की ओर से है। इसमें कोई भी संस्था या व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना चाहे मानस पूजा में या और भी किसी तरह का सहयोग करना चाहे तो यहाँ आप सहयोग कर सकते हैं। आप सबके सहयोग से, हम सबके सहयोग से ही ये कथा है, कथा का आयोजन है। ये हमारे लिए जो शुभ अवसर है उसका हम कोशिश करें कि पूरा पूरा लाभ उठाएं, एक दूसरे को सूचना देकर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में पधार कर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी की आरती में हम प्रवेश करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री सुभाष जी जांगिड़ ऊपर पधारे, सुभाष जी जांगिड़ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी
को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वक्रत